हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे दलिया का खीर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ है 100 ग्राम दलिया, यानी दलिया गेहूँ से होता है। दोस्तों ये है आधे लीटर अमूल गोल्ड मिल्क। 100 ग्राम है चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा। दोस्तों दलिया को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। दोस्तों दलिया को हमने धो के एक्स्ट्रा पानी छाक लिए। देखिए इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो चाहे तो ये आप इसको 10 मिनट तक रख सकते हैं ऐसे ही, फिर बाद में बनाइएगा। दोस्तों कढ़ाई गर्म है और कढ़ाई में 2 चम्मच घी है। अब घी में इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा धीमी आँच में इसको फ्राई करना है। दोस्तों दूसरी गैस में हमारा दूध गर्म हो रहा है और इसको थोड़ा 2 मिनट तक फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। दोस्तों अब पानी डालेंगे इस कटोरी। दोस्तों अब 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। कवर करके सारा पानी सोख लेंगे ये। दोस्तों सारा पानी सोख लिया। दोस्तों 100 ग्राम दलिया था और वो कटोरी भर के हमने पानी दे दिया, यानी 100 ग्राम दलिया है तो 200 ग्राम पानी चाहिए और आधे लीटर दूध। जो दूध को हमने पहले से गर्म करके रखा है उसी को अब इसमें डालेंगे। और अभी हम इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे। दोस्तों उबाल आ चुका है तो चीनी डालेंगे। दोस्तों आप मीठा अपने हिसाब से डालिएगा, हम 100 ग्राम डाल रहे हैं चीनी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम छोटा सा नमक। दोस्तों थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर आप इस प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो नमक आप मत डालिए, और अगर घर के लिए बना रहे हैं तो नमक आप डाल सकते हैं। नमक डालने से टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों ये हरी इलायची के पाउडर है, इसको डालेंगे हम इसमें और गैस को बंद कर देंगे। हमारा खीर बन गया है दोस्तों। और गाड़ी आ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों थोड़ा पिस्ता बादाम से हमने सजा दिया। दोस्तों अगर आपको इसमें किशमिश पसंद है तो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि हमारा बच्चों को किशमिश पसंद नहीं है इसलिए हमने नहीं डाला। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और खा के बताइए रेसिपी आपको कैसा लगा।